वेलकम चैंपर्स, कैसे हम सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जैसे देख सकते हैं गाड़ी से शुरू हो रहा है। तो जी हाँ, आज मैं और कैमरामैन भाई अपना पहला इंडिपेंडेंट ट्रिप करने लगे हैं मुल्तान में, मतलब शेखपुरा से अभी लाहौर जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ के हम सीधा मैं और कैमरामैन भाई जो है मुल्तान की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी फिलहाल रास्ते में है, तो अभी आपको मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बस स्टेशन में मिल के आता हूँ, और जो उनसे सीटें सूटें हैं क्या सा किताब होता है आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा ये बस में अकेले, तो अभी फिलहाल चलते हैं और देखते हैं क्या सा किताब। और तो चैंपर्स इस वक्त जो है ना मोटर में मौजूद है, और अब यहाँ से जो है रवान की डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कुछ देर में जब आप पहुँचते हैं डेपो स्टेशन पर, तब आपको वहाँ से मुलाकात होती है। डेवो स्टेशन में बैठे हैं, ये डेवो स्टेशन का एरिया बैठे हैं। तो कुछ देर में यहाँ पर बस की टिकटें वगैरह ले ली हैं, तो कुछ देर में यहाँ से रवानगी डालते हैं, तो आपसे फिर वहाँ से मुलाकात जो है ना इंशाल्लाह ताला होती है। यार फिलहाल जो है ना इस वक्त बस में बैठे हैं, ज़्यादा उनकी नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये कैमरामैन भाई अपने साथ हैं और इधर मैं बैठा हूँ, मुल्तान के लिए बस में बैठ चुके हैं। तो भी आपको रास्ते में कुछ अगर आती हैं कुछ चीज़ें देखने वाली दिखाते हैं। अभी फिलहाल बस में बैठे हैं, कुछ देर में चढ़ता है रवानगी डालेंगे, टिकटें वगैरह जो है हमें मिल चुकी हैं। अभी फिलहाल जो है भाई से सुन के फिलहाल अपने रवाना हो चुके हैं, और कैमरा मैन भाई हमारे साथ ही हैं, बस जो है निकल चुकी है। तो अभी फिलहाल अगर दिखने को आए क्योंकि यहाँ पर दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल जो है ना बस रामगाह पे रुकी हुई थी, कुछ खाने पीने के लिए पकड़ा तो है क्योंकि कैमरामैन भाई को लगी हुई थी भूख बड़ी, तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते होते क्योंकि बड़ा सुना है कि जो वाले साहब भी कह रहे थे और जहाँ जा रहे हैं वो भी कि बस जो है ना छोड़ छाड़ के भी निकल जाती है। तो अभी फिलहाल जो है वापस जा रहे हैं अपनी बस में, मैं वहाँ भी मिलता हूँ क्योंकि रास्ते में लोग भी होंगे ज़रा, ये ले खाने पीने बता रहे हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कि दोनों चीज़ें कैसी हैं। टेस्ट करके टेस्ट करते हैं, ठीक है मज़ेदार। अभी फिलहाल बर्गर भी ट्राई करते हैं, थका हुआ बर्गर लग रहा है। सफ़र की तरफ चले हो चुकी है। कैमरामैन भाई भी खा, कैमरामैन बर्गर कैसा लगा था, पिज़्ज़ा कैमरामैन भाई, जरा थकावट थकावट हो गई है, थकावट का समझ भी बड़ी आसपास के साथ भी हो रहा है क्योंकि मुझे चलती हुई की बस या गाड़ी उसमें अगर मैं देखता हूँ टी वी भी लगा तो मतलब जारी मेरा अगर सर दर्द करता है। तो अभी फिलहाल इंशाल्लाह ताला आधे घंटे या थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हम मुल्तान पहुँचेंगे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। फिलहाल बाहर अंधेरा हो चुका है, एक भाई की हालत थोड़ी हो गई है डेड तकरीबन कह सकते हैं आप। नहीं तुम्हें कहा किसने था कि तुम पैंट पहन गया हो, मैं देखो ना मैं शलवार कमीज में आराम से आया हूँ, शलवार से शलवार कमीज पहनी हुई है ना, बर्गर लगना है अभी खा ली बर्गर खाई चले। अभी तो पहुँच गए तो आपको बताते हैं क्या हुआ है यार, वो रंगे ना भाई ना पूछा मसला मेरे बैठे ना करो, मैं भी ना बोला करो बीन में। पर अभी फिलहाल जो है ना मुल्तान पहुंच चुके हैं और बस्ते बुस्ते बांध रही हैं, बस से निकल गए हैं, तो अभी फिलहाल जो है ना गाड़ी को जा रहे हैं। कैमरामैन भाई अपने कज़न से बात कर रहे हैं, आ गए अपने चाचू में, यहाँ से हम आए हैं फिलहाल मुल्तान।
इंशाल्लाह कुछ दिन यहीं पर स्टे है, तो अभी फ़िलहाल घर की तरफ रवानगी डालते हैं, आपसे फिर मिलते हैं। अभी गड्डी शड्डी में बैठ चुके हैं, पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर नज़र आ जाए, ये अपने कज़न बैठे हैं, यहाँ कैमरा मैन साहब बैठे हैं, तो अभी फ़िलहाल घर की तरफ रवानगी डाल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अभी आपको रास्ते में कुछ देखते हैं, कोई अगर चीज़ आती तो दिखाते हैं। और मुल्तान में क्या क्या हिसाब किताब है आपसे पता लगता है, चलिए आपसे मिलते हैं फिर। अभी जो है ना घर भर पहुँच गए थे, तो सारे कज़न निकले हैं, कैमरा मैन साहब रोटियां लेने निकले हैं। किधर निकले हैं पता नहीं, तुझे नहीं पता है कैसा डैश इंसान है। रियान साहब अपने से भी लंबे हैं भाई, रियान साहब कभी गुरूर नहीं किया है अभी, भाई ने कभी गुरूर नहीं किया है भाई, माशाल्लाह है ही बड़े अच्छे, पता नहीं है क्या, नहीं वो नहीं पता इतना खास। बस का सफ़र करके थक वक तो गए थे, लेकिन कज़नों से मिलने के बाद ज़रा फिर से एक्टिव हो गए हैं। कैमरा मैन साहब अपने भाई साथ लग गए हैं, मेरा इनके साथ ज़रा ज़्यादा बनती है, मैं इनके साथ ज़रा बातें चीतें कर रहा हूँ। और ऐसी अभी रोटियाँ निकले लेने की निकले हैं। तो रियान साहब क्या चल रहा है लाइफ में, बस का क्या मतलब, बस चल रही है लाइफ में, बस ही चल रही है। नहीं लाइफ कैसे चल रही है, आगे वही बस स्कूल अकेडमी, स्कूल अकेडमी अकेडमी तो नहीं जाता। अच्छा मतलब स्कूल के पासे भी रह रहे हो, स्कूल और घर में बस। नहीं तो थक नहीं जाता बंदा, दिल नहीं करता कि यार बंदा दो मिनट साह ले इधर। हाँ वही बस सही। चलो अभी रास्ते में आपको मिलते हैं फिर वहाँ ज़रा पहुँच के, क्योंकि अभी मैं इधर क्या करूँ क्या दिखाएँ यहाँ पे, बस ये है कि फ़िलहाल अभी जा रहे हैं रोटियाँ लेने मुल्तान में। तो चैंपर्स अभी जो है ना फ़िलहाल घर पहुँच चुके हैं, तो रात वगैरह हो चुकी है इसलिए अब यहाँ कुछ दिखाने को आया नहीं। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।